नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। प्याज टमाटर अदरक लहसुन ले लिया हमने, इसको मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। पहले मोटे मोटे टुकड़ों में काटने के बाद इसको तेल में थोड़ा सा जीरा डाल के फ्राई कर लेंगे। जब हमारा प्याज आधा फ्राई हो जाएगा उसके बाद टमाटर को भी काट के इसमें डाल देंगे। डालने के बाद टमाटर को भी कुछ देर के लिए इसमें भून लेते हैं। आप चाहें तो प्याज और टमाटर को उबाल के भी ग्रेवी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाने में ग्रेवी ज़्यादा टेस्टी बनती है। बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी हमारी ये ग्रेवी तैयार हो रही है। प्याज और टमाटर जब हमारा भून रहा है, इसी के साथ इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नमक, ताकि जो प्याज और टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। वैसे तो बाज़ार में जो ग्रेवी तैयार हमें मिलता है उसमें तो फूड कलर मिलाया होता है, लेकिन बिना फूड कलर के हम इसको अच्छे कलर वाला बना रहे हैं। उसके लिए इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी, और हल्दी के साथ ही डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, जिसके वजह से थोड़ा सा ऑरेंज सा कलर इसमें आ जाएगा हल्दी और लाल मिर्च मिक्स होने के बाद। सबको चला चला के देखिए, हमने भून लिया है, कलर अभी से ही कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब इसी के साथ डाल देंगे क्रीमी। इसको बनाने के लिए 6 काजू हमने ले लिया है, और कम काजू का इस्तेमाल करना पड़े इसलिए इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच मगज। मगज बहुत सस्ता होता है, काजू थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए मगज का इस्तेमाल कर देते हैं। कम पैसे में हमारा कम खर्चे में तैयार होगा। और इसी के साथ इसको चला चला के छोड़ देंगे। प्याज पानी भी छोड़ दिया है टमाटर, और उसी पानी में हमारा काजू भी आसानी से पक जाएगा। सबको निकाल लेते हैं, और इसका पेस्ट हमने तैयार कर लिया ठंडा करने के बाद। फिर इसको डाल के भून लेते हैं कढ़ाई में। इसको चला चला के भूनेंगे, और इसी के साथ डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए। और हल्दी डालने के बाद इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च डाल देते हैं। पहले जो हमने मिर्च इस्तेमाल किया था वो कश्मीरी लाल मिर्च थी, अभी ये तीखी वाली है। डालने के बाद इसको चलाएंगे और चला चला के इसको भून लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक डाल देने से मसाला हमारा जल्दी भून के तैयार हो जाएगा। और चला चला के कुछ इस तरीके से मसाला को हम तैयार कर लेंगे। ये जब मसाला हमारा अच्छे से भून जाएगा उसके बाद कढ़ाई आराम से छोड़ देता है, और ये मसाला फिसलने लगता है। मसाला हमारा रेडी हो गया। पहले जार को धो के पानी डाल देते हैं, और ग्रेवी जितनी गाढ़ी आपको चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर देते हैं। पानी डालने के बाद इसको 2 मिनट तक अच्छे से उबल जाने देंगे। उबलने के बाद हमने पनीर के टुकड़ों को काट के रख लिया था, अब इस टुकड़ों को बिना फ्राई किए हुए सबको डाल देंगे कढ़ाई में, और 2 मिनट और पकाएंगे। ध्यान रहे फ्लेम हमारा हाई होना चाहिए, पनीर को कभी भी लो फ्लेम पे नहीं पकाते हैं। थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पनीर के साथ कसूरी मेथी का। वापस इसका ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगा के 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकने देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का पनीर हमारा तैयार हुआ है। अब रेडी होने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। कुछ देर छोड़ने के बाद देखिए इस तरीके का हमारा सब्जी बनके तैयार हुआ है। इसी तरीके से एक बार ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।